चलिए भैया भैया चलिए आइए आइए भाई थोड़ा ऐसे धक्का मत यार गिर जाएगा। पूरे दादरी विधानसभा हो चाहे नोएडा हो, यहाँ किसानों की समस्या सबसे बड़ी है। आज तक के इनके मुआवजे के प्रकरण आज तक के पूरे नहीं हुए, आज तक के इनको सही मुआवजा नहीं मिला, आज तक के इनको आबादी की जमीन जिसमें ये काबिज थे उसका मालकाना हक इनको नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो इन किसानों को, भूमि मालिकों को फ्री होल्ड किया जाएगा, इनको मालकाना हक दिया जाएगा। और पहले भी कांग्रेस पार्टी किसानों के हक में लड़ाई लड़ती रही, अब भी लड़ेगी। सर यूपी में कितनी मुश्किल है लड़ाई, समाजवादी पार्टी भी लगातार दम भर रही है और बीजेपी भी। देखिए एक पार्टी है वो जाति के आधार पर वोट मांग रही है, दूसरा धर्म के आधार पर। कांग्रेस पार्टी है प्रियंका जी के नेतृत्व में किसानों के, दलितों के, मजदूरों के, महिलाओं के, नौजवानों के मुद्दे पे वोट मांग रही है। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। और जबरदस्त उत्साह हमारे बड़े बुजुर्गों में, माताओं बहनों में, नौजवानों में ये देखने को मिल रहा है। मैं लगातार दो दिन से यहाँ घूम रहा हूँ, परिवर्तन की लहर है, लोग परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस की ओर बड़ी उम्मीद से नजरें टिकाए हुए हैं। सर कल नोएडा में आपने प्रचार किया, एक मुकदमा दर्ज कराया गया है, प्रशासन की तरफ से क्या कहेंगे? मैं तो निर्वाचन आयोग से कहना चाहता हूं कि वो डेमो करके दिखा दे कि मुझे किस प्रकार प्रचार करना है राजनीतिक दल को। जब डोर टू डोर कर रहे हैं, मेरे साथ तो प्रत्याशी है और जिला का अध्यक्ष है, मेरे सुरक्षाकर्मी है, जेड प्लस मेरी सुरक्षा है, गाड़ियाँ 8-10 गाड़ियाँ रहती है, 20 से अधिक सुरक्षा अधिकारी हैं, स्टेट पुलिस के रहते हैं, पत्रकार 15-20 तो हर जगह उपस्थित रहते हैं। तो ये यदि आप दूर से फोटोग्राफी करेंगे तो लगेगा ये भीड़ चली आ रही है, जबकि मेरे साथ केवल 2 लोग रहते हैं। तो ये डेमो करके बता दें, मैं उसी प्रकार से काम करूंगा। लेकिन प्रजातंत्र है, लेकिन इसमें निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष दिखना चाहिए।